हरियाणा में सियासी उठापटक का दौर जारी है। बीते मंगलवार को बीजेपी सरकार को समर्थन देने वाले 3 निर्दलीय विधायक सोमवीर सागवान, रणधीर गोलन और नीलो खेड़ी ने समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद सरकार अल्पमत में आ गई। इस कड़ी में जेजेपी के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के राज्यपाल को पत्र लिख दिया। चौटाला ने गवर्नर से विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट की मांग कर दी है। दुष्यंत ने कहा कि हम मौजूदा सरकार का समर्थन नहीं करते और हरियाणा में किसी भी दूसरे राजनीतिक दल के द्वारा सरकार बनाने में समर्थन के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। दुष्यंत चौटाला ने पत्र में लिखा कि 2 विधायकों के इस्तीफे के बाद सदन की तादाद 88 है। ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी के पास 40 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 30, जेजेपी के 10, अलोपा के पास 1 और इनेलो के पास भी 1 विधायक है। वहीं मौजूदा समय में निर्दलीय विधायकों की संख्या 6 है। इनमें 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस लिया। दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल से पत्र में मांग की कि सरकार के पास विश्वास मत नहीं रहा, इसलिए विधानसभा का सत्र बुलाए और सरकार का फ्लोर टेस्ट किया जाए। यही नहीं, इसी के साथ दुष्यंत चौटाला ने इस पर बयान भी दिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार के अल्पमत में आने के बाद जेजेपी की तरफ से विपक्ष के साथ होने का दावा किया जा रहा है। अगर वो सही मायने में विपक्ष के साथ ही हैं तो गवर्नर को लिखकर दे आए, इसके बाद वो खुद पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को गवर्नर के पास भेज देंगे। पूर्व विधायक भी 40 में करीब पूर्व विधायक और पूर्व सांसद कर चुके हैं। 3 इंडिपेंडेंट विधायकों ने भी बाहर से समर्थन जो है कल दिया है कांग्रेस पार्टी को। ये एक जनभावना बनी हुई है और जनभावना को देखते हुए सब कांग्रेस में आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि यदि भूपेंद्र हुड्डा चाहे तो वो उनके साथ है, अगर सरकार को गिराना चाहे लिख के दें गवर्नर को। ये जो आपस में समझौता तोड़ने का था वो बी टीम बनने का, तो ये लिख के दें गवर्नर को, फिर हमारे डेपुटेशन मिलेगा पत्रा साहब जाके और सरकार के जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और चुनाव होने चाहिए। उन्होंने भी मांग की कि राष्ट्रपति शासन लगे।
मांगे लिख के तो दें गवर्नर को। अच्छा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज मैंने 30 कांग्रेस के, 10 बीजेपी, 3 इंडिपेंडेंट, 1 अभय चौटाला, 1 कुंभी, तो कोई फर्क पड़ेगा सर सरकार को? मेजोरिटी भी कहता है 88-45 के खिलाफ है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, तो अगला मौलिक अधिकार कोई नहीं रहा सरकार को। अगला कदम क्या रहेगा सर आपका? मौलिक अधिकार रहा ही नहीं सरकार। बता दें कि बीते मंगलवार को भाजपा सरकार से 3 निर्दलीय विधायक ने समर्थन वापस लिया। इनमें दादरी से सोमवीर सांगवान, पुंडरी से रणधीर गोलन और नीलाखेड़ी से धर्मपाल गोंदर शामिल थे। विधायकों के जाने के बाद भाजपा के पास हलोपा और 2 निर्दलीय विधायकों को मिलाकर कुल संख्या 43 रही है, जबकि बहुमत के लिए 45 सीटें चाहिए। ऐसे में सरकार और विपक्ष के बीच सरकार बनाने और गिराने को लेकर खींचतान और रस्साकसी जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।